विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवतां सर्वेषामपि अस्मिन् कार्यक्रमे प्राग विद्यावारिधि षाण्मासिक पाठ्यक्रम कार्यक्रमे स्वागतमस्ति। अस्माकं अत्यन्तं प्रियचिकीर्षवः समादरणीयः प्रोफेसर उमेश शर्मा महाभागाः अत्र अन्तर्जाल माध्यमेन समुपागताः सन्ति। तेषामपि अत्रस्मिन् कार्यक्रमे अहं स्वागतं व्याहरामि। इमे आचार्याः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर व्याकरण विभागस्य अध्यक्षाः सन्ति। किञ्च इमे आचार्याः अस्यैव कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदमपि विभूषितवन्तः। तथा भूता आचार्याः अद्य अस्मान् उद्बोधयितुं अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे समुपागताः सन्ति। तेषाम् अत्र विषयः वर्तते व्याकरणशास्त्रं, तस्य प्रवक्तारः व्याख्यातारश्च इति विषयम् अधिकृत्य अमीषाम् अत्र व्याख्यानं भविष्यति। अतः इदानीम् आचार्यान् प्रोफेसर उमेश शर्मा महाशयान् अहं प्रार्थये यत् ते स्वीयां कक्षाम् आरब्धुं पारयन्ति। आचार्याः उमेश शर्मा महाशयाः जी गुरुजी बोलिए आप। जी जी बोलिए। हरिओम। श्रूयते श्रूयते सम्यक श्रूयते। हाँ श्रूयते। भवदीयं चित्रं चित व्यवधानं जातं नाहं विशेषज्ञ ऐति कर्तुं। हरिओम। चित्रं न दृश्यते भवदीयं अतो हि अत्र रिकॉर्डिंग भविष्यति। सुनो है जी उसको बुलाओ है पूजा। अरे उसको मदीयं चित्रं न प्रदर्शयति उसको बुलाओ। नीचे नीचे वीडियो होगा गुरुजी उसमें क्लिक कर देंगे तो वीडियो दिखने लगेगा। यू नीचे वीडियो का चिन्ह होगा आपके मोबाइल में उस पे क्लिक करेंगे तो दिखने लगेगा। यू को मैंने क्लिक किया यही तो दिक्कत है मैं। अच्छा एक मिनट बुला रहे हैं जी समय अच्छा फिर कर देंगे पूरा जी। यू को करना किसको नहीं यू में तो आपका नाम ही दिखा रहा है और उसके अच्छा। उसके नीचे वीडियो का एक चिन्ह होगा इधर देखो। अच्छा एक बच्ची है इसको हाँ इसको ओपन किया हमारी उधर चित्र नहीं मेरा जा रहा है। नीचे वीडियो का चिन्ह होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो फोटो दिखने लगेगा। हाँ दिखने लगा बस ठीक है दिखने लगा ना जी जी ओके जी कंटिन्यू करिए। मैं प्रारंभ कर सकता हूँ ना। जी 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 अब मैं प्रारंभ कर सकता हूँ। जरूर जरूर प्रारंभ करिए। हरिओम। और लोगों को पार्टिसिपेट्स प्रतिभागियों के चित्र नहीं आ रहे हैं। नहीं यहाँ हमको सभी के दिख रहे हैं अब तक 70 लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जोगे न चित्तस्य पदे न वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अद्य जूम माध्यमेन विद्यावारिधे अनुसंधातारः सर्वे सर्वाश्च संलग्नाः सन्ति सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य विषयः निर्धारितः वर्तते व्याकरणशास्त्रं तस्य प्रवक्तारः व्याख्यातारश्च।
भवन्तः जानन्तु यत् व्याकरण शास्त्रम् एकं महत् शास्त्रं वर्तते। द्वितीयः विषयः वर्तते तस्य प्रवक्तारः व्याख्यातारस्य। इमौ द्वौ विषयौ इतिहासस्य विषयः वर्तते, किन्तु व्याकरण शास्त्रम् अयङ् विषयः अतीव गूढतमः वर्तते। किमस्ति व्याकरण शास्त्रम्? कदारभ्य व्याकरण शास्त्रस्य प्रवृत्ति संजाता? कदा व्याकरणस्य उत्पत्ति संजाता? व्याकरणस्य किं महत्त्वम्? किमर्थं व्याकरणं अध्येतव्यम् अस्माभिः? इत्यादि अनेके विषयाः चिन्तनीयाः सन्ति। एषु सर्वेषु विषयेषु यथा ज्ञानम् अहं स्वकीयं व्याख्यानं वा संवादः भवतां समक्षे समुपस्थापयामि। सर्वे प्रतिभागिनः सर्वाः प्रतिभागिन्यश्च शृण्वन्ति यथा अनुरोधं। संस्कृत देवबाण्यां वा राष्ट्रभाषायामपि वदामि, यदि सर्वे नहीं समर्थाः सन्ति तर्हि उभयोः अहं व्याख्यानं दातुं शक्नोमि। कः आदेशः वर्तते? हिन्द्यापि मध्ये मध्ये भवतु। ओ, मध्ये मध्ये भवति। जी जी। भवन्तः जानन्तु यत् सर्वेषां शास्त्राणां वा ज्ञानानां उत्पत्तिस्थानं वेद एव वर्तते। मनुस्मृतिकारेणोक्तं यत् सर्वज्ञानमयो हिषः, अर्थात व्याकरण जो है सभी ज्ञान विज्ञान का भंडार है। जितने भी लोक में ज्ञान आए सभी ज्ञानों के मूल स्रोत वेद को ही माना जाता है। व्याकरण के संबंध में वेद के कुछ जो मंत्र हैं उसको मनुस्मृति कारणे लिखा है कि उस समय भी व्याकरण के पदों का प्रयोग होता था। यथा यज्ञे न यज्ञ मयजंत देवा, यह वाक्य ऋग्वेद का उदाहरण है। अयजंत देवा धान्यमसि धिनो हि देवान, यजुर्वेद का यह भी मंत्र है। इत्यादि अनेक वैदिक मंत्रों में व्याकरण के पाठ मिलते हैं। अब यहां पर विचारणीय अत्र अयं विषयः विचारणीयः वर्तते यत् अत्र व्याकरण शास्त्र पदेन संस्कृत व्याकरण शास्त्रस्यैव बोधः भवति। अभी जितने लोग संलग्न हैं हमारे विश्वविद्यालय के अनेक संकायों के अनुसंधाता लोग संलग्न हैं, यद्यपि यह विषय केवल व्याकरण के अनुसंधानकर्ताओं के लिए ही होगा विशेषतः, लेकिन सबों के लिए आज का वर्ग हो इस पर मैं ध्यान रखूंगा। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् प्रथमे ही वैयाकरणो विद्वांसः, वैयाकरण को ही पहला विद्वान माना गया है। मैं अपने विषय की बड़ाई नहीं करता हूं, लेकिन प्राचीन मनीषियों ने संस्कृत के विद्वानों ने ऐसा कहा है। और भी व्याकरण शास्त्र की प्रधानता के संदर्भ में भवन्तः जानन्ति यत् षड् वेदांगानि सन्ति, तेषु वेदांगेषु व्याकरणस्य मुख्यस्थानीयता वर्तते। यथा कोऽपि व्यक्ति सर्वगुण संपन्नः स्यात्, सम्यक
रूपमपि अस्ति, दीर्घकायः अपि वर्तते, स्वस्थः अपि वर्तते, मुखाकृतिरपि सुन्दरा वर्तते, किन्तु यदि मुखात् वक्तुं न यदि सः शक्नोति तर्हि तस्य महत्त्वं न वर्तते। यथा मूकः, मूकः व्यक्ति किमपि न स्वकीयां भावनां व्यक्तुं शक्नोति। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखने में हो, बहुत अच्छा दिखता हो, शरीर के जितने भी उसके अंग हैं सभी सुंदर हैं, रूपवान है, किंतु यदि वह बोलने में असमर्थ है तो उसकी महत्ता नहीं है। उसी तरह से व्याकरण शास्त्र की महत्ता संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में मानी गई है। अब यहां पर बात यह आती है कि संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति, उद्भव, विकास या इसका आरंभ कब से हुआ, यह हम लोग को जानना चाहिए। प्राचीन काल में संस्कृत को देववाणी कहा जाता था, सभी लोग जानते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि संस्कृत देववाणी है, लेकिन संस्कृत व्याकरण की बात कहां से आई? सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में के किष्किंधा कांड में हनुमान जी के मुख से यह बात कही गई है कि हनुमान जी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, व्याकरण शास्त्र के भी ज्ञाता थे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में महर्षि वाल्मीकि ने प्रदर्शित किया है, नूनम व्याकरणम कृतस्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहर्ता अनेन किंचित अपभाषितम। यहां पर व्याकरण शब्द आया है। एक और मैं प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हनुमान जी लंका गए थे, भगवान श्री राम ने भेजा था कि प्रिय हनुमान जी आप लंका जाएं और जाकर के देखें कि हमारी प्रिया जो सीता है वो किस अवस्था में है। उस संवाद को भी वाल्मीकि रामायण में चर्चा की गई है। जैसे माना गया है कि प्रतिपदा को व्याकरण नहीं पढ़ना चाहिए, इस प्रसंग में हनुमान जी ने कहा है, वाल्मीकि के मुख से रामायण में श्लोक यह उद्धृत है। हनुमान जी ने कहा, भगवान ने पूछा कि सीता कैसी है, तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि सा प्रकृत्यैव तन्वंगी तद्वियोगाच्चकर्षिता प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येवतन्तांगता। हे भगवान, वो सीता जो है तो प्रकृति से ही तन्वंगी है। और दूसरी बात, तद वियोगात् चकर्षिता, और आपके वियोग में और भी कर्षित हो गई, दुबली हो गई है। फिर उपमा देते हैं, प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येवतन्तांगता, जिस तरह से प्रतिपदा को पाठ करने से विद्या क्षीण हो जाती है, उसी तरह से मां भगवती जो सीता है आपके वियोग में क्षीण हो गई है। सबसे पहली बात यह है कि पहला आज का जो विषय निर्धारित है व्याकरण शास्त्रम, तस्य प्रवक्ता रह
व्याख्यातारश्च। हम व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में जान ले पहले कि व्याकरण जो है सभी विषयों के होते हैं। अंग्रेजी का भी व्याकरण है, ग्रीक का है, लैटिन का है, क्षेत्रीय जो भाषाएं होती हैं मागधी हो, मैथिली हो, उर्दू है। भवंतः जानन्तु यत् भाषा जो है अभिव्यक्ति का साधन होता है। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। पहले भाषा का निर्माण हुआ, उसके बाद व्याकरण की उत्पत्ति हुई। भाषा आधारित व्याकरण होता है, भाषा परिवर्तनशीला भवति किंतु व्याकरणम परिवर्तनशीलम न भवति। इसके संबंध में महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण की एक छोटी सी परिभाषा लिखी, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। हिंदी में मैं उसको व्याख्यायित करता हूं, नियमों एवं उदाहरणों को अनुशासनबद्ध करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परंपरा, खास करके संस्कृत व्याकरण की परंपरा आप सभी जानते हैं, सर्वे मनीषय सुकृवंती, संस्कृत देववाणी वर्तते, आदव वेद जब इसका मूल आधार माना गया है तो वेद को अपौरुषीय कहा गया है, ये पुरस्कृत नहीं है। उस विषय पर हम नहीं ज्यादा जाना चाहते हैं, सभी लोग जानते हैं कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ, लेकिन अंततः आते आते जब उस भाग में हम जाएंगे कि व्याकरण के प्रवक्ता कौन हुए, व्याख्याता कौन हुए, और आज संस्कृत व्याकरण शास्त्र की क्या स्थिति है। व्याकरण की परिभाषा करते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण। अनेन अर्थात केन, तो जेन नियमेन, जिस नियम के द्वारा शास्त्र शब्द की व्याख्या शिष्यते, अनेन इति शास्त्रम, अनेन केन, शास्त्र का अर्थ नियम होता है, अनुज्ञा होता है, आदेश होता है, समादेश होता है। शास्त्र शब्द जो है विशेष शब्द है, शास्त्र कहने से व्याकरण शास्त्र, धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वेद शास्त्र, वास्तु शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि नाम शास्त्राणाम बोधो भवति। शास्त्र के संबंध में बहुत सारी बातें आई हैं। जैसे धर्म शास्त्र होता है, वह भी धर्म का नियम करता है किस तरह से जीना चाहिए, इस तरह से जो जो मनुष्य के लिए जो नियम बनाए गए या और कर्तव्य पालन के लिए नियम बनाए गए, वास्तु शास्त्र में गृह निर्माण की चर्चा होती है, उसी तरह से व्याकरण शास्त्र में इसको शब्द शास्त्र कहते थे। लेकिन मैंने जो अभी श्लोक सुनाया कि नूनम व्याकरणम कृतस्नेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहर्तेन बहु व्याहर्तानेन किंचित न अपभाषितम। यहां पर व्याकरण पद का उल्लेख किष्किंधा कांड में किया गया है, इसके पहले इसको देववाणी के नाम से जानते थे, लेकिन व्याकरण शब्द की चर्चा अनेक प्राचीन शास्त्रों में होती है।
मूलतः समस्या क्या थी, जब वेद का प्रचलन था, श्रुति का प्रचलन था, स्मृति का प्रचलन था, तो पदगत जो अर्थ थे प्रकृति प्रत्यय विभाजित नहीं हो पाते थे, उसको प्रकृति प्रत्यय विभाग समास इत्यादि प्रकरणों में विभक्त कर वैयाकरणों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे। व्याकरण की महत्ता सबों के लिए होती है, व्याकरण भाषा को संस्कारित करता है, शुद्ध करता है, हर व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करता है उसके लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक है। व्याकरण की महत्ता पहले, अब मैंने इसके पहले बताया कि पहले भाषा बनी उसके बाद व्याकरण बना, पहले वेद बना, वेद के वाक्य आए, श्रुतियां बनी, स्मृतियां आई, किंतु वेदों में भी व्याकरण के पद देखे गए, यथा यज्ञेन यज्ञमयंत देवा इत्यादि स्वस्ति वाचन करते हैं, वहां पर भी पद मिलते हैं। बाद में आवश्यकता पड़ी कि नहीं, इसको पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाजन किया जाए। व्याकरण जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब आप कहेंगे कि जीवन का महत्वपूर्ण क्यों अंग होता है, तो जो व्यक्ति बोलने में समर्थ नहीं होता है, जिसकी भाषा शुद्ध नहीं होती है, भाषा जो होता है वो ज्ञान का परिचायक होता है, भाषा के माध्यम से हम अपने ज्ञान को प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं, शिष्य उपशिष्यों में बांटते हैं। अत्र इदं चिन्तनीयं यत् व्याकरणस्य आदि प्रवक्ता कः वर्तते। सभी मनीषियों ने माना है, सर्वे विद्वांसः इदं स्वीकुर्वन्ति यत् व्याकरणस्य आदि प्रवक्ता ब्रह्मा अस्ति। अस्मिन् विषये उच्यते और भी संबंध में आप जाने कि व्याकरण की पुरातनता कैसे है। महाभाष्यकार पतंजलि के मतानुसार उन्होंने उद्धृत किया है, संस्कार उत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरण समाधीयते। ब्राह्मणे ने निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्योग्यस्य। संस्कार उत्तर कालम का अर्थ है कि ब्राह्मणों के यहाँ बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार, और भी संस्कार हैं, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद ब्राह्मणों को वेद माने पढ़ाया जाता था या पढ़ते थे। संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरणम अस्माधीयते, वहां पर संस्कार से भी प्राय जो लिया गया है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार द्वादश वर्ष के पूर्व ही लोग कर देते हैं, तब पढ़ने की समझने की क्षमता द्वादश वर्ष में हो जाती है, उस समय ही लोग व्याकरण पढ़ना शुरू कर दिए थे। सवाल यह उठता है कि क्यों व्याकरण पढ़ा जाए, इसकी क्या आवश्यकता है। साहित्य वाले सोचेंगे कि हमने श्लोक याद कर लिया,
हमने साहित्य का लक्षण लक्ष्य ग्रंथ पढ़ लिया तो इसकी क्या आवश्यकता है। ज्योतिष वाले सोचेंगे कि हमने ज्योतिष का जो न काल नक्षत्र इत्यादि विज्ञान है, जो भी उससे संदर्भित ज्ञान है मैंने प्राप्त कर लिया, व्याकरण की क्या जरूरत है। भवंतः सर्वे जानन्ति पूजत साहित्यस्य ज्योतिषशास्त्रस्य वा सर्वेषां वेदांगानां जानी प्रमुख शास्त्राणि सन्ति तानि संस्कृत भाषायामेव विरचितानि सन्ति। गद्यात्मकः ग्रंथः अस्ति वा पद्यात्मकः ग्रंथः अस्ति तेषां ग्रंथानां अर्थः कथं बोध्यः भविष्यति। यदि व्याकरणस्य ज्ञानं न भविष्यति तर्हि तेषां पातेषु शास्त्रेषु अध्येतॄणां प्रवृत्ति न भविष्यति, ज्ञानमपि न भविष्यति। व्याकरण शास्त्र के बारे में महाभारत में भी आया है, सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोति तत् तथा। देखिए यहां पर भी महाभारत कारण व्याकरोति पद का उपयोग किया है। व्याकरोति तत् तथा व्यांक्री, बचपन में ही जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो व्याकरण की एक छोटी सी परिभाषा बताई गई होगी, जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना एवं बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। ये बहुत साधारण सी परिभाषा है, लेकिन व्याकरण जो है नियम एवं उदाहरणों का एक समवाय है, एक समूह है, व्याकरण की प्रयोगशाला भाषा है। भवंत जानन्ति पूजत व्याकरण से प्रयोगशाला भाषा वर्तते। यदि व्याकरण से प्रयोग वा व्याकरण से नियमानां प्रयोग यदि भाषायां न स्यात् वा अस्माभिः न कर्तुं शक्यते तर्हि व्याकरण पठनस्य अध्ययन अध्यापनस्य किमपि औचित्यं नास्ति। भवन्तः व्याकरणं पठन्ति जानन्ति, किंतु व्याकरणस्य नियमानां व्याकरणस्य प्रयोगः पदानां धातूनां प्रत्ययानां प्रत्ययान्तानां च प्रयोगः यदि भवता साधुतया न क्रियते तर्हि भाषायाः बोधो न भविष्यति वा भाषायां शुद्धता न भविष्यति। यह तो संस्कृत की बात है, लेकिन जिस भाषा में जैसे कोई आंग्ल भाषा का ज्ञाता है और उसको यदि अंग्रेजी ग्रामर नहीं आता है, लेकिन अन्य व्याकरणों से, तो उसे माना जाएगा कि माने ही स्पीकिंग नॉट राइट, वह सही नहीं बोल रहा है। जैसे मेरे यहां भी शास्त्रों में एक उदाहरण है कि शुद्धम वदति, भाषा परिवर्तनशीला होती है, लेकिन व्याकरण खास करके परिवर्तनशीला नहीं होती है। संस्कृत भाषाया वा संस्कृत व्याकरणस्य इदमेव वैशिष्ट्यं वर्तते कि आज से हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत जैसे बोली जाती थी, जैसे लिखी जाती थी, आज भी वैसे ही बोली और लिखी जाती है। अब बात होगी कि आज से हजारों वर्ष पहले जैसे बोली जाती थी, वेद मंत्र का उच्चारण होता था, वेद मंत्र के में वा अनेक जगहों पर जैसे वाल्मीकि रामायण में आया सीता या पते नमः होगा कि पते कैसे होगा, हर्षत्वात् इसकी निवृत्ति करती है, नहीं भाई ऋषि वचन है। व्याकरण की जो परंपरा शुरू से चली, बृहस्पति इंद्राय इंद्र भारद्वाजाय भारद्वाज ऋषिभ्यः
व्याकरण के प्रथम जो प्रवक्ता है वो ब्रह्मा जी को माना गया। प्रथम प्रवक्ता ने बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया। बृहस्पति को सुराचार्य भी कहते हैं, देवताओं के गुरु भी कहे जाते हैं, सुरानाम आचार्य सुराचार्य। उन्होंने इंद्र को दिया वाग्। इसी तरह से परंपरा व्याकरण के ज्ञान प्राप्त हुए, किंतु बाद में आकर के यह बात धीरे धीरे आधुनिक व्याकरण तक चलाता है, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। बात यहां अटक जाती है, लेकिन पहले मान लें कि व्याकरण के जो आदि प्रवक्ता ब्रह्मा हुए, व्याकरण के जो आदि प्रवक्ता ब्रह्मा हुए उन्होंने बृहस्पति को पढ़ाया व्याकरण या उपदेश किया। उसमें उपदेश शब्द प्रचलित था कि उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद परंपरा या जो व्याकरण शास्त्र है वह जनमानस के लिए प्रवृत्त हुआ। लेकिन आप सभी जानते हैं जब कभी संस्कृत जो थी वो भारत की राष्ट्रभाषा थी, यहाँ के लोग संस्कृत में संवाद किया करते थे। खैर इस पर मैं ज्यादा नहीं जोड़ दूंगा। बात आती है कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया, ब्रह्मा बृहस्पते प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भारद्वाजाय भारद्वाज ऋषिभ्य ऋषयो ब्राह्मणेभ्य। ऐसी परंपरा आ गई। आते आते ही ब्राह्मण के पास आ गया। कभी यह मान्यता थी कि ब्राह्मण ही इसको पढ़ते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वाल्मीकि कौन थे? वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन लौकिक संस्कृत के वो आदि कवि माने जाते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठां तुम अगम शाश्वती समा इत्यादि पद है। लौकिक संस्कृत का जो पहला महाकाव्य है वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी अनेक जगह वाल्मीकि जी ने व्याकरण पद का उदाहरण अनेक स्थानों पर किया है। महाभारत में भी इसकी चर्चा आई है, पाणिनीयम महाशास्त्रम। पुराणों में भी चर्चा आई है, सर्वशास्त्रोपकारकम। अब यहां पर बात आती है कि बृहस्पति ने इंद्र को उपदेश किया, इंद्र ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने ऋषि को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को पढ़ाया। पढ़ाया नहीं, उपदेश दिया। उस समय तक व्याकरण, यह भी बात आई है, बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्त्रम प्रतिपदोक्तानाम पदानाम पारायणम प्रोवाचानंदम जगाम। दिव्य वर्ष सहस्त्र को सौर वर्ष कहते हैं। देवताओं के जो वर्ष होते हैं उन्होंने हजार वर्ष तक व्याकरण शास्त्र का उपदेश किया, किंतु नांतं जगाम फिर भी समाप्त नहीं हुआ। आजकल भी लोगों के मन में ही भ्रम है कि यह ब्राह्मणों की भाषा है। बिल्कुल नहीं, हमारे जितने भी प्राचीन आचार्य हुए, संस्कृत के लेखकों विद्वानों व्याकरणों ने प्रायः अपनी कृतियों में अपनी चर्चा व अपना परिचय लिखने से बचते थे।
पाणिनी व्याकरण के सबसे अंतिम प्रामाणिक आचार्य मानते माने जाते हैं। पाणिनी से पूर्व अनेक आचार्य हुए, पाणिनी ने अपने सूत्रों पाणिनी में अष्टाध्यायी में प्रमुखता 10 आचार्यों की चर्चा की है, किंतु पाणिनी के भी जन्म स्थान, नाम, उनके गुरु कौन थे, एक छोटा मैं प्रसंग दिला देता हूं। स्नातकोत्तर व्याकरण विभाग में छात्रवृत्ति के लिए एक परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें एक प्रश्न था छात्रों के लिए कि पाणिनी के गुरु कौन थे। प्रतिभागी छात्रों ने, किसी ने वर्षाचार्य लिखा, किसी ने उपवर्षाचार्य लिखा, दोनों जगह चर्चा होती है। आप संस्कृत के इतिहास को यदि पढ़ेंगे, व्याकरण शास्त्र के इतिहास को, तो वर्षाचार्य की भी चर्चा आएगी, उपवर्ष की भी चर्चा आएगी। इनको सालातुरिया कहते हैं, सालातुर नाम के गांव में ही रहने वाले थे, उसको लोग आज कहते हैं कि आज का वो पाकिस्तान में वह जगह है। इतिहासकारों ने यह भी माना कि पाणिनि ने सूत्रों की रचना पाटलिपुत्र में की थी। इयता महता प्रत्नेन तत्र प्रांग मुखम उपविश्य सूत्राणि रचितानि तत्र नैकेन नर्तकेन भवितव्यम्। इस बात पर मैं एक और चीज आकृष्ट करता हूं, बहुत जगह महाभाष्य में भी पाणिनि के सूत्रों के बारे में कहीं कहीं लिखा गया है कि भाष्यकार ने सूत्रम इदम प्रत्याख्यातम। महाभाष्यकार ने पाणिनि के इस सूत्र को प्रत्याख्यात कर दिया है। जहां तक मेरी समझ में है, प्रत्याख्यात का अर्थ होता है कि इसको असिद्ध माना, निरस्त कर दिया, लेकिन उसी भाष्यकार ने यह भी लिखा है तत्र नैकेन वर्णेन अनर्थकेन भवितव्यम्। पाणिनि के द्वारा जो विरचित सूत्र है वह एक भी अनर्थक नहीं है। पाणिनि से पूर्व करीब 85 व्याकरणों के उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। उनको प्रवक्ता ही मानेंगे, लेकिन मूलतः पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 10 आचार्यों के उल्लेख किए हैं। रामायण में नवधा व्याकरण कहा गया है, व्याकरण 9 प्रकार के होते हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में जिन आचार्यों को उल्लेख किए हैं, उन सभी आचार्यों के भी जो रचनाएं हैं वो आज नहीं उपलब्ध है। व्याकरण शास्त्र के अनेक प्रवक्ता हुए, कुछ ऐसे प्रवक्ता हुए जिन्होंने अपनी रचना की, सूत्रों की रचना की, लेकिन उसका प्रचलन नहीं हुआ। प्रचलन न होने के कारण उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई। व्याकरण की या किसी भी शास्त्र की महत्ता उसी में है, कोई लेखक यदि कोई अपनी रचना करता है, यदि वह रचना लोकप्रिय हो गया, उसकी प्रसिद्धि हो गई, तो उसकी मान्यता मिल जाती है, सामाजिक मान्यता मिल जाती है। पाणिनि ने जिन व्याकरणों की चर्चा अष्टाध्यायी में की, सूत्रित भी उन्होंने किया, उन आचार्यों ने रचना की थी, उनके मत को भी उन्होंने स्वीकार किया, किंतु अंततः
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि अंतिम जो हम लोग मानते हैं पाणिनि सूत्र के या पाणिनि के सूत्रों की, लोग कहते हैं कि कात्यायन ने खंडन किया। मैं नहीं मानता हूं कि उन्होंने खंडन किया है, उन्होंने समझाने की कोशिश की है। यहां पर यह भी होना चाहिए जन प्रतिषेधो वाच्य, कहना चाहिए अनेक, मैं तो मानता हूं या संस्कृत के इतिहासकार भी मानते हैं, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के, कि पाणिनि के सूत्रों की उन्होंने व्याख्या की है। तीसरा जो आज का विषय है कि व्याकरण शास्त्र, इसके प्रवक्ता और व्याख्यातारश्च, मेरी दृष्टि में कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या की, महाभाष्यकार ने भी उसकी व्याख्या की है, उसके बाद भी अनेक व्याख्याकार हुए, नागेश भट्ट, भर्तृहरि, कैयट, कौंड भट्ट, भट्टो दीक्षित इत्यादि व्याकरणों ने भी अपनी अपनी रचनाएं की। भट्टो दीक्षित ने ही सिद्धांत कौमदी की खुद व्याख्या की प्रौढ़ मनोरमा के रूप में, और उसमें उन्होंने यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम इस पर बल दिया है। मूलतः संस्कृत व्याकरण शास्त्र के करीब 19 व्याख्याकार हुए, शब्द कौस्तुभ प्रक्रिया सर्वस्व इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं, किंतु आज की स्थिति में, आज के समय में सर्वाधिक प्रचलन सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, इत्यादि ग्रंथ, वैयाकरण भूषण सार पाठ्य ग्रंथों में इसी को अनुग्रहित किए गए हैं। भर्तृहरि ने भी दार्शनिक व्याकरण लिखे, भर्तृहरि को भी अनेक रूप में जाना जाता है, अनेक भर्तृहरि हुए। इतिहास को यदि आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि अनेक भर्तृहरि हुए, लेकिन इस भर्तृहरि ने, जिनका वाक्य पदीयम है, नीति सत्कम है, इत्यादि अनेक उनके ग्रंथ मिलते हैं। आचार्य पाणिनि के बाद अनेक अर्वाचीन व्याकरण हुए, कारतंत्रकार हुए, चंद्रगोभी हुए, छपणक हुए, बावन हुए, देवनंदी हुए, पाठक कृति हुए, शिव स्वामी हुए, भोजदेव हुए, बुद्धिसागर हुए, पद्मनाभ हुए, रामाश्रय सिद्धांत कार, चंद्रिका कार हुए, सारस्वत व्याकरण कार हुए, क्रमदीश्वर हुए, मलयगिरी हुए, हेमचंद्र हुए, वर्धमान हुए। पाणिनि के बाद भी अनेक प्रवक्ता हुए, लेकिन उनके द्वारा रचित जो व्याकरण के ग्रंथ हुए, उन्होंने व्याकरण के जो ग्रंथ लिखे, उसकी प्रसिद्धि, उसकी मान्यता पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान नहीं रही। ये ग्रंथ नहीं चले। प्रक्रिया कौमुदी
प्रक्रिया सर्वस इत्यादि का प्रचलन हुआ, आज भी प्रक्रिया सर्वस जो ग्रंथ है उसका कुछ प्रदेशों में पढ़ाई होती है, लेकिन खास करके मैं बिहार राज्य की बात करूं यहाँ पर पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, महाभाष्य, सिद्धांत कौमुदी, शेखर, परिभाषेंदु शेखर, लघु शब्देंदु शेखर, प्रौढ़ मनोरमा, कहने का मतलब कैयट नागेश, भट्टोजी दीक्षित, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि हरिकृत ही जो ग्रंथ हुए उसकी सर्वाधिक मान्यताएं आज के तिथि में विद्वानों ने माना है। आचार्य पाणिनि व्याकरण से प्रमाण भूत आचार्य वर्तते नात्र कश्चन संदेह। पाणिनि अष्टाध्यायी आधारीकृत्य वार्तिककारेण वार्तिकस्य रचना कृता, महाभाष्यकारेण पाणिनि सूत्राणामेव व्याख्या कृता। महाभाष्य के सुने जाते हैं कि 85 अंक थे, लेकिन आजकल महाभाष्यकार ने भी अन्य व्याकरणों के सिद्धांतों को माना है पाणिनि के अतिरिक्त। जहां कहीं उन्होंने लिखा अपर आह, वहां पर हुआ कि किसी दूसरे ने कहा। कहने का अभिप्राय है कि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों की जो व्याख्या की, उस व्याख्या क्रम में इतना अनेक जगह पर उन्होंने कहा अपराह, माने एक किसी दूसरे का कथन है, इतना कह करके वो चुप हो जाते हैं। आजकल व्याकरण शास्त्र की परंपरा में प्रायः व्याकरण जो बच्चे पढ़ते हैं तो जो शुरुआत करते हैं तो भद्राचार्य ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी बनाई, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी बनाई, मध्य सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी से पढ़ने की परंपरा समाप्त के बराबर है। अष्टाध्यायी की दुरुहता को ही दूर करने के लिए इन आचार्यों ने लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना की। एक व्याख्या क्या हुए, इनकी व्याख्या से यह बात सत्य है कि अष्टाध्यायी के द्वारा व्याकरण को जितनी सुगमता से समझा जा सकता है, प्रक्रिया ग्रंथों में अनेक उदाहरण, अनेक विवेचन दिए गए हैं, उसमें कठिनता होती है। किंतु अष्टाध्यायी की जो व्यवस्था है, लिखा आचार्य ने सूत्रे स्वदृष्टं पदं सूत्रांतरादनुवर्तनीयं सर्वत्र, सामासिक सूत्र हैं, समास के जितने सूत्र हैं पाणिनि के विभिन्न अध्यायों में विभक्त हैं, एक स्थान पर नहीं है। कम से कम जो अष्टाध्यायी पढ़ने वाले या अष्टाध्यायी माध्यम से जिन्होंने व्याकरण पढ़ा, कम से कम 6 अध्यायों तक का यदि पाठ नहीं करेंगे तो उनको कंठस्थ नहीं होगा, सूत्र स्मरित नहीं होगा, सूत्र यदि स्मारित नहीं होंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी, किस सूत्र का कहां पर अन्वय होता है। समास के जो सूत्र हैं विभिन्न अध्यायों में विभक्त हैं, इन्हीं सब दुरुहता को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य, वैयाकरण भूसंसार, नागेश भट्ट की जो टीका है, कैयट है, शब्द कौस्तुभ है, प्राचीन मैंने शब्द कौस्तुभ का भी अध्ययन किया था, लेकिन आज के प्रचलन में इन सबों की अधिक मान्यताएं हैं। मूलतः आज का विषय था संस्कृत के व्याकरण शास्त्रम तस्य प्रवक्तारः
व्याख्यातारस्य। अंत में मैं उपसंहार करते हुए कहता हूं कि व्याकरण की परंपरा वेद काल से ही थी। मैंने उदाहरण दिया, एक दो मंत्र सुनाए, उसमें व्याकरण के पद थे। वाल्मीकि रामायण जो लौकिक संस्कृत का आदि महाकाव्य कहा जाता है, उसमें भी व्याकरण की व्याकरोत शब्द आया है। वी आंक्री व्याक्रियंते वित्पादंते शब्दाहने न व्याकरोत। शब्द दो तरह के थे, वैदिक मंत्र जो थे अव्याकृत थे, मतलब प्रकृति प्रत्यय द्वारा अविभाजित जो पद होते हैं उसको अव्याकृत कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय द्वारा जो विभाजित पद होते हैं उसे व्याकृत कहते हैं। व्याकरण जो है भाषा को संस्कारित करता है, अनुशासित करता है, अथवा शब्दानुशासन। वहां पर भी शब्दानुशासन की चर्चा और भी व्याकरणों ने कहीं कहीं की है, लेकिन शब्दानाम अनुशासनम है। अनुशासन से भी प्राय हुआ है कि ये जो शब्द होंगे व्याकरण के अनेक नियमों से अनुशासित होंगे। आज के समय में व्याकरण के करीब 19 व्याख्याकारों की चर्चा मिलती है, लेकिन उनकी रचनाएं प्रायः मिल नहीं पाती हैं। आदि प्रवक्ता ब्रह्मा ने जब सृष्टि काल के बाद, आप जानते हैं कि भवन्तः जानन्ति यत् प्रलयानन्तरं कश्चित् यदि अवबोधः संजातः, प्रलय के बाद ब्रह्मा की ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने ज्ञान दिए, उस ज्ञान स्वरूप जो उनके वचन थे वहां से ही व्याकरण पद की चर्चा होती है। वेद के जो मंत्र थे अव्याकृत थे, बाद में व्याकरण की रचनाओं में उन पदों को व्याकृत किया गया, प्रकृति प्रत्यय इत्यादि विभागों के द्वारा संस्कारित किया गया। व्याकरण किसी भी भाषा को अनुशासित करता है, नियमबद्ध करता है, इसलिए अस्माभिः निरंतरं व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यं। सर्वेषां कृते व्याकरणस्य अध्ययनं आवश्यकं वर्तते। भवन्तः जानन्ति यत् महाभाष्यकारेण पश्पशाणिके उक्तं यत् व्याकरणाध्ययनस्य मुख्य पंच प्रयोजनानि सन्ति, रक्षोहागमलघुसन्देहः प्रयोजनम्। रक्षार्थं वेदानाम् अध्ययनं व्याकरणम्, व्याकरणस्य अध्ययनं विना वेदस्य रक्षा न भवितुम् अस्माभिः वा कैश्चित् कर्तुं शक्यते। रक्षोहागमलघुसन्देहः पंच प्रयोजनानि, एतानि मुख्य पंच प्रयोजनानि सन्ति, अन्येपि प्रयोजनानि सन्ति। तेषु प्रयोजनेषु व्याकरणस्य महत्त्वं तत्र प्रदर्शितं वर्तते। व्याकरणं नियम उदाहरणस्य समुदायः अस्ति। भवन्तः यदि नियमं जानन्ति उदाहरणं नायाति तर्हि व्याकरणवेत्तारा भवन्तः न भवितुम् अर्हन्ति। व्याकरणस्य महत्ता किमस्ति इति सर्वे जानन्ति। व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में चूंकि आज का जो विषय निर्धारित था वो व्याकरण शास्त्र, उसके प्रवक्ता और उसके व्याख्याता। एक बार पुनः मैं कहता हूं कि व्याकरण के आदि प्रवक्ता ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को, इसी परंपरा से ब्राह्मणों तक की विद्या आई। और भी कहा गया ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म सडंगो
वेदो अध्येयो गेयश्च, वहां पर एक बात आती है कि केवल ब्राह्मणे ने निष्कारणो धर्म, निष्कारण उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन और किसी पर रोक की बात नहीं है। दूसरे लोग नहीं पढ़ेंगे, उसमें विशेष लगाया गया है कि निष्कारण अकारण पढ़िए, लेकिन और वर्णों के लिए ऐसी कहीं रोक नहीं लगाई गई कि ये व्याकरण नहीं पढ़ेंगे। हमारे अनेक आचार्य हुए जो ब्राह्मणेतर थे, वाल्मीकि के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, पहले क्या थे, उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा 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 करते करते राम राम करने लगे। षणमासिक कोर्स के जो हमारे प्रिय छात्र हैं व्याकरण के, उनको से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें कि व्याकरण के आदि प्रवक्ता कौन हुए, व्याकरण की परंपरा कहाँ से चली, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पढ़ाने का अभिप्राय है कि इनके जब कोर्स पूरे होंगे तो इनकी परीक्षा होगी, व्याकरण शास्त्र है क्या, व्याकरण शास्त्र से आप क्या समझते हैं, और इनके कितने व्याख्याकार हुए। मैंने बताया कि पाणिनि से अर्वाचीन, माने पाणिनि के बाद 19 व्याख्याकारों के नाम मिलते हैं, लेकिन सभी की रचनाएं आज उपलब्ध नहीं है। उसमें से करीब 10 की रचनाएं जहां कहीं पुस्तकालयों में उनकी रचनाएं शोभा बढ़ा रही हैं, लेकिन मुख्यतः आज कल जो व्याकरण शास्त्र का मुख्य आधार जो माना गया है स्वाध्यायी को, मैंने कहा भट्टोजी दीक्षित का जो भट्टोजी दीक्षित ने जो व्याख्या की, उन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी, उसके बाद प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मा प्रौढ़ मनोरमा, और उस प्रौढ़ मनोरमा में उन्होंने कहा यथोत्तरम मुनि नाम ब्राह्मण, यथोत्तरम का अर्थ यहां पर है कि पाणिनि के वचन में यदि कुछ समझने में कहने में त्रुटि रह गई, उस त्रुटि को मैं उसको त्रुटि नहीं मानता हूं, उनकी व्याख्या शैली को कात्यायन ने वार्तिक के माध्यम से समझाया, और पतंजलि ने महाभाष्य में अत्रेदम चिंतनीयम जत्तते बहुनी भाषा नि संति, किंतु महाभाष्यम पतंजलि कृत एव उच्यते, भाष्य बहुत है, शांकर भाष्य, श्री भाष्य, फलना भाष्य, चिन्ना भाष्य इत्यादि भाष्य है, लेकिन पतंजलि कृत को महाभाष्य कहा गया। जैसे आप जानते हैं 18 पुराण है, 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत को महापुराण की संज्ञा दी गई। अन्य पुराणों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत पुराण में उतने श्लोक नहीं है, लेकिन किसी भी शास्त्र की महत्ता उसकी गुणवत्ता से होती है, उसकी लोकप्रियता से होती है। अभिप्राय है कि व्याकरण में बहुत ग्रंथ लिखे गए, लेकिन तत्र पतंजलि प्रामाणिकः आचार्यः वर्तते। मंगलाचरण में मैंने कहा योगे न चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन जोपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिं प्राञ्जलिरानदोष। महाभाष्यकार पतंजलि ने योग दर्शन की रचना करके चित्त की शुद्धि की, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा अथ योगानुशासनम पदेन वाचम, पद शास्त्र की रचना करके वाणी को शुद्धता प्रदान किया। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र की रचना करके शरीर के जो मल विकार को उन्होंने शुद्ध किया। ऐसे जो परमाचार्य
पतंजलि हुए, सबसे प्रामाणिक आचार्य माने जाते हैं। अनेक जगहों पर मैंने कहा कि पाणिनि ने लिखा है कि एतत् सूत्रम भाष्यकार ने प्रत्याख्यात, लेकिन वही लिखते हैं कि यथा महता प्रयत्न सूत्राणि विरचितानि तत्र नैकेन अनर्थकेन वर्णनेन भवितव्यम्। यहां विरोधाभास होता है, वो प्रत्याख्यात भी करते हैं। आप एक जान लें कि समय तो समाप्त हो रहा है, 5 मिनट विलंब से शुरू हुआ था। व्याकरण की परंपरा में 2 परंपराएं चली, एक ऐन्द्र व्याकरण और दूसरा शैव व्याकरण जिसको माहेश्वर व्याकरण कहते हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र है इस पर भी भाष्यकार ने या अन्य व्याकरण के लेखकों ने व्याकरणों ने आपत्ति दिखाई है। किसी का कहना है कि माहेश्वर सूत्र शिव सूत्र जालम जो है पाणिनि ने खुद रचना की थी। कुछ का भी मत है कि नहीं, पाणिनि ने इसकी रचना नहीं की थी। तो हमारे यहाँ 2 संप्रदाय व्याकरण के हुए, यह जानना बहुत ही, एक ऐन्द्र संप्रदाय और एक शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय अर्थात शिव सूत्र जाल को आधारित करके, ये जो माहेश्वर सूत्र है इसको आधारित करके जो व्याकरण लिखे गए। ऐन्द्र संप्रदाय से अभिप्राय है कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को व्याकरण का उपदेश किया, उसमें उपदेश माना जाता था। यथाने बृहस्पति इंद्राय प्रतिपदोक्ता नाम शब्दानाम पारायणम प्रोवाचनांतम जगाम हो भी दिव्यम वर्षास्त्रम। फिर भी व्याकरण समाप्त नहीं हुआ। हमारे यहाँ मूलतः व्याकरण में 2 संप्रदाय माने जाते हैं, एक ऐन्द्र संप्रदाय, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृतस्लम इत्यादि भवंतः सर्वे जानन्ति, और एक शैव संप्रदाय हुआ, माने शिव सूत्र पर आधारित जो व्याकरण की रचना की गई इसको शैव संप्रदाय में हमारे इतिहासकारों ने माना है। ये जो 2 विषय हुए पाणिनि व्याकरण के, व्या पाणिनि सर्वाचीन, मैंने कहा कि करीब 19 व्याकरणों के उल्लेख पाए जाते हैं, लेकिन सबों की रचनाएं आज उपलब्ध नहीं है। ये दोनों मुख्यतया विषय पाणिनि व्याकरण शास्त्र के प्रवक्ता और व्याख्याता इतिहास से संबंधित विषय है। इतिहास पढ़ना चाहिए, भवंतः जानन्तु यत्, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप जिस विषय के हो, साहित्य के हो तो साहित्य शास्त्र का इतिहास पढ़िएगा तो 50% आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के जो छात्र रहेंगे ज्योतिष शास्त्र का इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत संपूर्ण वाङ्मय का इतिहास आप पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात। इसमें व्याकरण के जो अनुसंधाता हैं जो हमारे षण्मासिक कोर्स में है उनको व्याकरण शास्त्र का इतिहास पढ़ना चाहिए। व्याकरण के 2 मुख्य संप्रदाय हुए, ऐन्द्र संप्रदाय और शिव संप्रदाय। शिव संप्रदाय से अभिप्राय हुआ पाणिनि प्रवृत्ति जो हुए आधुनिक काल में। अभी जो मान्यता पाणिनि व्याकरण की है, अष्टाध्यायी की है, आप जानते हैं कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा कोई व्याकरण नहीं जिसमें इतने सूत्र हों। मैथमेटिक्स के भी सूत्र होते हैं। शब्द संरचना करने की क्षमता पाणिनि सूत्रों में जितनी है पूरे विश्व के किसी भी व्याकरण में नहीं है। संस्कृत का जो शब्दकोश है पूरे विश्व में बृहत ही नहीं बृहत्तम है। इदानीम समय है जाता, एक होरा पर्यंतम एव समय निर्धारित आसीत एवं आचार्य किंचित काल व्यर्थ संजाता एतदर्थम पंच निमेषात्मक अधिक समय मया गृहीत भवंता अनुरुध्यन्ते यद मया भाषण कृतं एषु विषयेषु कश्चित् प्रश्नः यदि
समुदेति वा भवन्तः प्रष्टुमिच्छन्ति तर्हि पृच्छन्तु इति निर्देशः अस्ति यत् पञ्चनिमेषात्मकः प्रश्नोत्तरकालः भविष्यति कोऽपि अनुसन्धाता यदि प्रश्नं कर्तुम् इच्छति तर्हि क्रियतां यथा योग्याहं निराकरणं करिष्यामि एवम् आचार्याणाम् इयं कक्षा अत्यन्तं ज्ञानप्रदायिनी अभूत् विस्तृतं व्याख्यानम् आचार्यैः अत्र व्यधायि इति सर्वेपि शोधार्थिनः उपकृताः भवद्व्याख्यानेन। हाँ, जिनको भी कुछ यदि संदेह है, कहीं कुछ जिज्ञासा है, तो आचार्य जी से, गुरु जी से पूछ सकते हैं। वो अपना हैंड रेस करेंगे तो मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि मैंने सबको बंद करके रखा हुआ है, सब चिल्लाने लगते हैं, इसलिए अपना हाथ दिखाएंगे तो मैं उसे अनम्यूट करूंगा। रमा शंकर झा, हाँ, क्या पूछना चाहते हैं रमा शंकर झा जी, पूछिए। पहले आप पृच्छतु। हाँ, रामा शंकर झा का जिज्ञासा वर्तते, इन्होंने हाथ रेस किया है। अच्छा, गलती से कर बैठे हैं। हाँ, ये कुछ नहीं है, ये इनको संशय क्या इन्होंने किया है, यहाँ हाथ दिखा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन क्या पूछना चाह रहा है। हाँ, पृच्छतु पृच्छतु नात्र कश्चन संदेह है। तो का जिज्ञासा वर्तते रामकृष्ण झा महोदया।